लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। रविवार को विश्व उपभोक्ता दिवस के मौके पर राजधानी भोपाल में प्रांतीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मौजूद लोगों ने अपने वक्तव्यों में कहा कि उपभोक्ता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाकर देश भर में जागरूकता का माहौल पैदा करना है। इस दौरान बैठक में बताया कि ऐसा करने से कंपनियों में व्याप्त कालाबाजारी और भ्रष्टाचार उजागर हो सकेगा। साथ ही कहा कि हमारे द्वारा चलाए जा रहे उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देकर उपभोक्ता नीति को कारगर बनाना है। बैठक को संबोधित करते हुए समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव वंशकार और राष्ट्रीय महासचिव आरडी पंथी ने कहा कि हम प्रतिदिन सामान की खरीदारी करते हैं जिससे कंपनियां और व्यापारी मोटा मुनाफा कमा रहा है, इसी के लिए हमें आज जागरूक होने की आवश्यकता है। इस दौरान कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर भी जागरूकता के साथ उससे बचने के लिए सावधानियों का भी जिक्र किया है। बैठक में मौजूद डॉक्टर प्रियंका प्रसाद ने इसकी रोकथाम और सावधानियों को लेकर जानकारी दी। मालूम हो कि प्रांतीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा आज शहर में भव्य आयोजन होना था, मगर कोरोना के वायरस के चलते स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की अपील पर उन्होंने अपने आयोजन को भव्य रूप न देते हुए उसे बैठक का रूप दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। कोरोना तो है लेकिन है क्या? हाँ, कोरोना एक वायरस ही है, जैसा हमें कॉमन कोल्ड होता है तो वायरस के थ्रू, वैसे ही एक वायरस है एक। हाँ। लेकिन ये बाकी वायरस से बहुत मतलब थोड़ा हैवी है और जल्दी चेंजेस लेता है। इसमें मॉर्टिलिटी दूसरे वायरस जो कॉमन कोल्ड है उससे थोड़ी सी हाई है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि हमें इससे घबराने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि इसमें दूसरे वायरस की तरह ही फीवर आता है। और जो इल पेशेंट है, मतलब जो हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक है या एचआईवी पेशेंट है, उनको ज़्यादा खतरा है। बाकी जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें एक तरीके से कॉमन कोल्ड की जैसे आता है और चला जाता है। आज हमारा होटल पलास में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर, परंतु कोरोना की वजह से सरकार ने सभी आयोजनों पर जो निरस्त कर दिए हैं और एक गाइडलाइन सरकार ने कलेक्टर महोदय के माध्यम से दी गई है कि कोई भी समारोह जिसमें भीड़ भाड़ अधिक हो कोरोना की वजह से उसको स्थगित किया जाए। तो हम चूंकि विश्व का पूरे विश्व में उपभोक्ता दिवस है आज, तो हम उसको सांकेतिक रूप में आज ये जो यहाँ इंडियन कॉफी हाउस भोपाल में मना रहे हैं। मनाया क्या, एक संदेश हम कोरोना के लिए ही यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और आम उपभोक्ताओं को एक संदेश भी हम देना चाहते हैं। इसके माध्यम से हमारे बीच में डॉक्टर प्रसाद मैडम हैं, उन्होंने विस्तृत यहाँ पर बताया भी है, वो अभी बाइक में बताएंगी। मैं इतने कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के उपभोक्ता आज तक जो व्यापारियों से ठगे महसूस कर रहे थे उनके लिए हमारी संस्था और सरकार और उपभोक्ता न्यायालय काम करेंगे ही, लेकिन अभी जो विपत्ति आई है कोरोना के रूप में उसके लिए बहुत सुरक्षा से जो है घबराने की जरूरत नहीं है। और घर में अपनी साफ सफाई रखें और ज़्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके में ना जाएं और अधिक से अधिक अपने हाथों को जो है साफ रखें और इससे जो है कोरोना में से हमें मुक्ति मिल सकती है और मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।